गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी सैटरडे को हमने ये भीष्म प्रतिज्ञा आपको पढ़ा दिया था, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इससे पहले महाभारत का था और देवव्रत के बारे में हम पढ़ा चुके और इसका क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं। उसको आप, मुझे उम्मीद है कि वो आप कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो उसको कर लीजिएगा। आज हम आपको भीष्म प्रतिज्ञा के कुछ प्रश्न उत्तर आपको हम करवा देते हैं। आपका पहला प्रश्न है भीष्म प्रतिज्ञा का, राजा शांतनु ने दूसरा विवाह किसके साथ किया? तो राजा शांतनु ने दूसरा विवाह केवट राज की पुत्री सत्यवती से किया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि पहला विवाह उन्होंने किसके, पहला विवाह उन्होंने गंगा के साथ किया था, फिर जब गंगा उनको छोड़ करके चली गई तब उन्होंने, राजा शांतनु ने दूसरा विवाह सत्यवती के साथ किया। अब आपका दूसरा प्रश्न, भीष्म प्रतिज्ञा का दूसरा प्रश्न है, केवट राज ने विवाह के समय क्या शर्त रखी? क्योंकि केवट राज विवाह, अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने ये शर्त रखी कि मेरी, मुझे जब ये शर्त स्वीकार होगी तभी मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करूंगा। केवट राज ने अपनी पुत्री के विवाह के समय यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, इसी शर्त पे वो विवाह करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने शांतनु के सामने ये शर्त रखी कि अगर आप, मेरी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा तभी मैं अपने पुत्री का विवाह आपके साथ करूंगा। इस बात को राजा शांतनु तैयार नहीं हुए, वो नहीं मानने को तैयार थे और चुपचाप अपने घर वापस आ गए। लेकिन जब उनके इस दुख के बारे में देवव्रत यानी भीष्म पितामह देवव्रत को जब पता चला, तब वो इस शर्त को पूरी करने के लिए केवट राज के पास गए। उन्होंने अन्य विनय किया लेकिन वो नहीं माने। तब वहीं पर आपके इस पाठ के नाम का सार्थक सिद्ध होता है, उन्होंने, भीष्म ने एक प्रतिज्ञा की। अब वो प्रतिज्ञा के रूप में आपका अगला प्रश्न है, केवट राज की शर्त को पूरा करने के लिए देवव्रत ने क्या किया? तो केवट राज की शर्त को पूरा करने के लिए देवव्रत ने जीवन भर विवाह न करने अर्थात आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया। जैसा इससे पहले एक बच्चे ने एक प्रश्न किया था कि भीष्म ने विवाह क्यों नहीं किया, तो भीष्म के विवाह न करने का यही कारण था क्योंकि केवट राज के शर्त के अनुसार वो अपनी पुत्री के पुत्र को ही राजा बनाएंगे, जो राजा शांतनु को स्वीकार नहीं था। तब उन्होंने, भीष्म ने यह प्रतिज्ञा, यानी देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो मेरे पुत्र नहीं होगा और जब पुत्र नहीं होगा तो राजा कोई नहीं बनेगा, यानी सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। अब इस चैप्टर का अभी एक अगला प्रश्न है, सत्यवती से शांतनु के कितने पुत्र हुए? तो सत्यवती का विवाह जब राजा शांतनु के साथ हो गया, फिर सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर। इस प्रकार से आपके अभी शेष क्वेश्चन आंसर जो है वो हम नेक्स्ट बार कराएंगे। अभी ये आपका चार प्रश्न उत्तर पूरा होता है।